हमारे बात खुद ले गए, उसके माँ उसके बहन के मेहरारू लेके फरार हो गया। मेरे बेटी भागने नहीं है, मेरी चल निकल है। बताओ आप 11 साल की नाबालिग बच्ची हो, आपको शादी करना चाहिए 45 साल के बुजुर्ग से, आप बताइए। तो आपने क्यों की शादी? आप रोज उनसे 500, सुनिए एक मिनट, आप रोज उनसे 500 और 1000 रुपए लेती थी, क्या ये बात सच है? अच्छा बताओ तुम वहाँ पे मतलब बाला बस्ती लेकर गए थे, तुम्हारी मम्मी बोल रही है मतलब हमको जूती खरीदना था ना, तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो सुनो एक बात बताओ, मैंने पहले से नहीं मतलब पहले मम्मी नंबर मांगी थी पैसा के लिए 1000 रुपए के लिए, तो वो नहीं, वो आए थे घर पे तो हमको 500 रुपए देकर चले गए थे, आए अब बोले फिर दोबारा तो बोल रहा है क्या कि बेटी बना कर ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ आप 11 साल की नाबालिग बच्ची हो, आपको शादी करना चाहिए 45 साल के बुजुर्ग से, आप बताइए। नहीं तो आपने क्यों की शादी? आपका तो जिंदगी तो बर्बाद हुआ और आप दूसरे का भी जिंदगी बर्बाद की, हम लोग पूरा उनकी उनकी पत्नी का आरोप साथ सोती थी और उनका आरोप है कि आप रोज उनसे 500, सुनिए एक मिनट, आप रोज उनसे 500 और 1000 रुपए लेती थी, क्या ये बात सच है? अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए संध्या जी, अब आप किसके साथ रहना चाहती हैं? मम्मी पापा के। लेकिन आपका एक बयान में आया था कि आप महेंद्र जी के साथ रहना चाहिए, चाहे आप जी हैं या मरे, ये क्या है? आप अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, कभी आप कहती हैं कि आप माता पिता के साथ रहना चाहती हैं, कभी आप कहती हैं आप महेंद्र जी के साथ रहना चाहते, तो आखिर बात है क्या, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? पढ़ाई लिखाई करिएगा ना। हाँ। जब ऐसा सोच है पढ़ाई लिखाई जब करना है तो ऐसा गलती क्यों की? गलती करने का क्या रीजन था? माँ बाप क्या तुम्हारा शादी नहीं करते? करते। तो फिर अपने माँ बाप की इज्जत क्यों डुबाई? अपने माँ बाप का ख्याल है कि माँ बाप के साथ में रहूंगी, लेकिन उसके बाद भी अपने अपने माँ बाप की जब फेस नहीं देखी तो दूसरे के साथ सोने किस लिए गई? एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आपसे आपकी शादी जबरदस्ती नहीं की है? वो उनकी पत्नी करवाई है। वो तो कह रही थी कि वो लोग आपस में ही रात में शादी कर लिए थे। क्या बोली? वही शादी उनको बोली थी करने के लिए। ऐसे कोई पत्नी अपनी पति को तो नहीं कहेगी शादी करने? नहीं तो वो महीना में 29 दिन बुखार से थी रहती है और उसका बेटा है तो वो लंगड़ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो बोली कि आप शादी कर लीजिए तो आप 11 साल की बच्ची और आप शादी कर ली, इतना तैयार हो गई? आपके मम्मी से नहीं बोले थी? हाँ। वो अपने पति से बोली थी शादी करने के लिए। आपने शादी क्यों कर ली? आपने उनसे शादी, अच्छा आपसे पूछा होगा ना कि हाँ आपसे महेंद्र जी शादी करना चाहते हैं, आपको बताया गया होगा, तो आपने शादी क्यों की? क्या जबरन शादी कराई गई? आपको कहने बताया? आपने आपको बताना चाहिए ना कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप ही ये सब बताना चाहिए ना आपको? हमारे पास फोन नहीं था। फोन नहीं था वहाँ पे, तो बोल रहे थे कि मोबाइल सब और मोबाइल वोबाइल खरीद कर दिए थे, पैसा वैसा सब सारा झूठ है, सारा फोन उसके पास था। अच्छा आपका महेंद्र जी के पास आप कितने दिनों से आती जाती थी? हम आते जाते नहीं थे, जब मम्मी नंबर मांगी तभी। क्या आपके मम्मी को पैसा दिए थे महेंद्र पांडे? नहीं उनको पैसा नहीं दिया, हमको 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए दिए थे। लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है, आपने शादी तो कर ली, अब उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं। अब मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हैं? हाँ। तो फिर आपने इससे पिछले वाले बयान में ये क्यों कहा कि हम महेंद्र जी के साथ रहना चाहते हैं? वो ऐसे ही बोला था। सब बयान बदल देती है। इतना दिन से बेटा आपके साथ महेंद्र पांडे ने कुछ गलत भी किया है? बेटी पढ़ाएंगे। महेंद्र पांडे जी ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं क्या? आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? कितनी बार बनाए? ये नहीं पता है। लेकिन 3 महीना से आप उनके साथ में रिलेशन, आप उसके साथ में तो रहती थी ना? ठीक है डर क्यों रहे हैं? तो आइए आप डर नहीं रहे तो आप आइए बाहर, गलती नहीं किए होंगे तो कहिए गलती, आप डर रहे हैं आइए बाहर, आप देखिए इज्जत बना रहे हैं लोग, अगर मतलब अगर ये गलती नहीं किए होते हैं तो ये मतलब देखिए डरते नहीं है आदमी आ रहे जाए बाहर बात करिए। नहीं देखिए गलती हम चाचा के भी गलती नहीं है, गलती अगर है तो आपने गलती किया कि अपने लड़की को आपने भविष्य बर्बाद कर रखा है। अच्छा हम भविष्य पर आए हैं, कहां वहां पे भेजा उनके घर? नहीं भेजे हैं, सारा झूठ बता आपके चलते बाकी भी लड़का लड़की बिगड़ मतलब उनको हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो खुद बिगड़ा है, हम नहीं बिगड़े हैं, उसको मेरा ऊपर ही बेटी बेटी बाप से शादी करनी है, बेटी बाप से शादी करती है वो आपका ना गलती है कि 2 महीना से आपकी बेटी उसके घर रही, तो आप कहाँ पे थी? नहीं उनका घर के लोग बयान दे रहे तो दे रहा है कि 2 महीने से थी उनकी जो पत्नी है, सुनिए हमारे बात,
खुद लेकर उसका माँ उसका बहन का मेहरा लेकर अभी फरार हो गया। मेरे बेटी भागने नहीं है, मेरी चल निकले की नहीं है। हो गए तो आप पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट किया है? जाते जाते कंप्लेंट कर ले भाई, थाना पर बैठ आप पूरा ठीक रहा है आपने लेने के लिए सबूत पैसा फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि पैसा देना बंद कर दिए उसके माँ को, संध्या की माँ को। अभी तक कितना रुपया लिए महेंद्र पांडे? अच्छा एक बात बताइए, आपकी 11 साल की नाबालिग बच्ची है, 11 साल की बच्ची खुद कह रही है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, तो आपको ये मीडिया में खुलकर बताना चाहिए, आपको सच्चाई सामने लाना चाहिए, उसको जेल भिजवाना चाहिए, आपको न्याय चाहिए, तो आप मीडिया से भाग क्यों नहीं? इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलत है। दिन में बोलते बोला थकता था, अभी 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 लाइन लगा रहा ठीक है, चार दिन से मैंने कोने थी ना हो पर मिठाई ना हो इंडियन टंगाइए बोल बा टंगा बोल है तो कोई फायदा बा जी ऐसे का भाषण।